मैं अब आपको वह रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखा रहा हूं। जिससे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस को कंक्लूड करा था। हम सबसे पहले उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखेंगे और एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखने के बाद उसके एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, उसको समझेंगे और उसको समझने के बाद हम उससे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि किस तरह से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस कंक्लूड करी। देखिए, बेसिकली जो रदरफोर्ड का मेन टारगेट रहा होगा दैट वाज अबाउट स्टडीइंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, रेडियोएक्टिव मटेरियल। उस समय तक रेडियोएक्टिव मटेरियल डिस्कवर हो चुके थे और यह समझ में आ चुका था कि रेडियोएक्टिव मटेरियल से काफी अधिक खतरनाक रेडिएशंस रेडिएट होती है और इन रेडिएशंस को रोकना, कंट्रोल करना यह उसका एम रहा होगा। यह बात उस समय समझ में आ चुकी थी कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को रोकने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है, यदि हम उसको 8 से 10 सेंटीमीटर मोटे लेड बॉक्स में, हम एक ऐसे लेड बॉक्स बनाए जिनकी वॉल थिकनेस हो 8 to 10 सेंटीमीटर, उसके अंदर यदि हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रख दें तो उनसे निकलने वाली रेडिएशंस बाहर नहीं आ सकती। 8 से 10 सेंटीमीटर मोटे लेड बॉक्स में रखे हुए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बाहर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रदरफोर्ड ने सबसे पहले इस तरह के लेड बॉक्स बनाए होंगे। यह जो लेड बॉक्स है यू कैन इमेजिन सिलिंड्रिकल शेप के है यह, और इस तरह का सिलिंड्रिकल शेप है। दिस इज अ कैविटी, इसके अंदर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख देते हैं। दिस इज एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा रेस रेडिएट होती है। यह लेड का बना हुआ बॉक्स है। लेड इज अ हेवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट, 8 से 10 सेंटीमीटर थिक वॉल है, इस तरह का सिलिंड्रिकल शेप का है, 8 से 10 सेंटीमीटर मोटा, पीछे भी 8 से 10 सेंटीमीटर मोटी वॉल है और चारों तरफ इस कैविटी के 8 से 10 सेंटीमीटर वॉल। अब इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, यह जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, इससे निकलने वाली रेडिएशंस कहीं भी फैलेंगी नहीं, एक पिन होल है, इसी से बाहर आएंगी। दिस इज रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। प्रिसाइसली मैं कहता हूं इट्स अल्फा एक्टिव रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, मींस दिस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रेडिएट अल्फा रेडिएशंस। और एक अ फाइन बीम ऑफ गाइडेड अल्फा रेस गेट्स एमिटेड आउट ऑफ दिस लेड बॉक्स। ये जो पिन होल है, इस पिन होल से अल्फा रेस बाहर आएंगी। दिस इज अ पेंसिल ऑफ अल्फा रेस, अ फाइन बीम ऑफ अल्फा रेस एंड दे आर हाईली गाइडेड, बिल्कुल एक फिक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई यह अल्फा रेस है। सिर्फ इसी तरह से अल्फा रेस इस लेड बॉक्स के बाहर आ सकती है, इसके अलावा यह अल्फा रेस कहीं भी किसी भी तरह से फैल नहीं सकती, इसके अलावा इनका स्कैटरिंग और किसी तरह से नहीं हो सकता। यह लेड बॉक्स इन अल्फा रेस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली रेस को कहीं जाने नहीं देगा। अब इसके सामने कुछ इस तरह का सेटअप इस जगह पर
वह फोटोग्राफिक प्लेट रखता था दिस इज अ फोटोग्राफिक प्लेट और इस जगह पर वह अलग अलग मेटल की फॉइल रखता था गोल्ड फॉइल एल्यूमिनियम फॉइल सिल्वर फॉइल दिस इज गोल्ड और सिल्वर और एल्यूमिनियम फॉइल एंड दिस इज अ फोटोग्राफिक प्लेट फोटोग्राफिक प्लेट बिल्कुल वही प्लेट होती है जो हम कैमरे में पहले जो रोल डालते थे कोनिका कोडैक कोई सी भी इनर्जेटिक रेडिएशन जब उससे टकराएंगी देन दैट फोटोग्राफिक प्लेट वुड गेट डार्केंड इसके अलावा उसने फोटोग्राफिक प्लेट इधर भी पेस्ट कर दी होगी इस जगह पर भी फोटोग्राफिक प्लेट पेस्ट कर दी होगी दिस वॉज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सेटअप अ थिन गोल्ड सिल्वर और एल्यूमिनियम फॉइल जो गोल्ड इज अ मोस्ट मैलिएबल मेटल गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल मेटल मीन्स गोल्ड कैन बी ड्रॉन इट कैन यू कैन गेट अ वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड गोल्ड की सबसे पतली शीट बनाई जा सकती है इस तरह की गोल्ड फॉइल बनाई और वहां सामने रखी एम है जो हमारा एम है वो क्या है कि क्या हम इन रेडियो एक्टिव मटेरियल से आने वाली रेस को गोल्ड फॉइल से रोक सकेंगे क्या इन्हें हम कंट्रोल कर सकेंगे इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आने वाली जो अल्फा रेस है क्या यह गोल्ड फॉइल से कंट्रोल करी जा सकती है हम यह चेक करना चाह रहे हैं रदरफोर्ड यह बात देखना चाह रहा है और इसके पीछे उसने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी फोटोग्राफिक प्लेट से सेंस हो जाएंगी यदि फोटोग्राफिक प्लेट काली हुई इसका मतलब वहां अल्फा पार्टिकल्स टकरा रहे हैं वहां अल्फा रेस टकरा रही है यदि फोटोग्राफिक प्लेट काली नहीं हुई तो वहां अल्फा रेस नहीं टकरा रहे हैं मतलब गोल्ड फॉइल ने अल्फा रेस को रोक लिया है दिस वॉज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप अब इसने उसने क्या ऑब्जर्व करा जरा समझिए व्हाट ही ऑब्जर्व वॉस कि यह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली अल्फा रेस मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस गोस अनडेविएटेड वह गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करती हुई बिल्कुल सीधी सीधी बिल्कुल आगे टकराई और इस जगह पर फोटोग्राफिक प्लेट का डार्कनिंग इफेक्ट दिखने लगा ही ऑब्जर्व दैट गोल्ड फॉइल अल्फा रेस को अल्फा पार्टिकल्स को रोक नहीं सकी अल्फा पार्टिकल्स पेनिट्रेटेड गोल्ड फॉइल और न केवल यह देखा बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात उसने क्या देखी फ्यू अल्फा रेस वन एमंग 200 अल्फा रेस got scattered one among 200 alpha rays got deviated got scattered and more interestingly one among 20,000 alpha rays one among 20,000 alpha particles rebound back This was his observation. One among 20,000 alpha particles rebounded back. ऐसा उसने कैसे conclude करा? ऐसा उसने definitely इस तरह से conclude करा होगा कि उसने देखा 20,000 dots, 20,000 black spot इधर बने, 20,000 spots उसको इधर दिखाई दिए, ठीक सामने. 20,000 जब स्पॉट इधर दिखाई दे रहे हैं तो
100 स्पॉट उसको इस तरह से स्पॉट जो है इस तरह से उसको स्कैटर्ड दिखाई दिए होंगे और एक स्पॉट एक डार्क स्पॉट उसको इस तरह से रिबाउंड होकर फोटोग्राफिक प्लेट पर लगा हुआ दिखा होगा। इधर भी फोटोग्राफिक प्लेट पेस्टेड है या देखने के लिए कि कोई अल्फा रेस लौट के तो नहीं आ रही है। इधर भी फोटोग्राफिक प्लेट पेस्टेड है। 20,000 डार्क स्पॉट तो उसको ठीक सामने पिन होल के ठीक सामने बने हुए दिखाई दिए। पिन होल के ठीक सामने 20,000 डार्क स्पॉट्स बनना इसका मतलब है 20,000 अल्फा पार्टिकल्स रेडिएक्टिव सब्सटेंस से एमिट हुए, रेडिएक्टिव सब्सटेंस एमिट होकर इस पिन होल से बाहर निकल के आए, सीधा ट्रेवल करे और इस गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करके अनडिविएटेड बिल्कुल सीधा ट्रेवल करते चले गए और बिल्कुल सीधा ट्रेवल करते हुए वह 20,000 स्पॉट्स इधर बनाए। अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं और अल्फा पार्टिकल्स टकरा रहे हैं और इन अल्फा पार्टिकल्स एक एक अल्फा पार्टिकल की वजह से एक एक डार्क स्पॉट वहां बन रहा है। इस तरह से 20,000 अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधा अनडिविएटेड गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करते हुए सामने आए और वो डार्क स्पॉट इधर बना दिए और उसने देखा इन 20,000 डार्क स्पॉट के बनने के साथ साथ 100 डार्क स्पॉट इस तरह से स्कैटर्ड फैले हुए प्लेट पर, 100 डार्क स्पॉट इस तरह से फैले हुए, 1 among 200 अल्फा पार्टिकल्स गॉट स्कैटर्ड गॉट डिविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ। 100 स्पॉट उसको इस तरह से बने हुए 100 upon 20,000 दैट इज 1/200 और उसने देखा कि एक स्पॉट ऐसी कंडीशन में रिबाउंड होकर इस तरह से इधर भी दिखाई दिया, मतलब एक अल्फा पार्टिकल रिबाउंड करा, मतलब 1 among 20,000 अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड करे। दिस वॉज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड दिस वॉज हिज ऑब्जर्वेशन। इस बात को ऑब्जर्व करने के बाद अब रदरफोर्ड ने सोचना चालू करा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा कैसे हुआ। हम अच्छी तरह से जानते हैं अल्फा पार्टिकल हैवी पार्टिकल होते हैं, इनके पास +2 चार्ज होता है और 4 यूनिट मास होता है, ये बात हम जानते हैं। अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज 2 प्रोटॉन के बराबर है और मास 4 न्यूट्रॉन या 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के बराबर है। अल्फा पार्टिकल दे आर बल्की पार्टिकल, दे आर मासिव पार्टिकल, दे आर हैवी पार्टिकल। इस तरह के मासिव और हैवी पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकराए और वो पेनिट्रेट करते चले जाए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहले रदरफोर्ड ने यह बात कंक्लूड करी कि डेल्टन का मॉडल तो हो ही नहीं सकता। क्यों, जरा सोचिए, डाल्टन ने क्या कहा था, एटम तरबूज के माफिक होते हैं। यदि एटम तरबूज के माफिक होंगे तो जरा सोचिए कि यह जो फॉइल है यह एक तरीके से ढेर सारे इसमें तरबूज रखे हुए हैं और बिल्कुल डेंस तरीके से यह गोल्ड फॉइल में, एक गोल्ड फॉइल में लाखों करोड़ों अरबों एटम्स जो तरबूज के माफिक है वो इधर रखे हुए हैं। अब जरा सोचिए, बड़े और हैवी एटम्स है ये, अब जरा सोचिए कि यह अल्फा पार्टिकल कैसे बिहेव करेंगे। ये अल्फा पार्टिकल एक बुलेट के माफिक बिहेव करेंगे, जैसे कि एक बुलेट आ रही है और इन तरबूज से बनी हुई वॉल से टकरा रही है। जरा सोचिए, यदि इस पूरे कमरे में मैं ढेर सारे तरबूज भर दूं, पूरा डेंस तरीके से तरबूज से भर दूं और कमरे के कोने से एक रिवॉल्वर से एक बुलेट फायर करूं, क्या होएगा? डू यू थिंक कि वह बुलेट उन सभी तरबूजों को बिल्कुल क्रॉस करती हुई, पेनिट्रेट करती हुई, अनडिविएटेड बिल्कुल सीधा निकल जाएगी? कभी नहीं। अब दो ही बातें हो सकती है कि या तो वह बुलेट टकराए तरबूजों की उस दीवार से टकराए और रिबाउंड हो जाए, या फिर वो किसी ना किसी तरबूज में जाके एम्बेडेड हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो बुलेट बिल्कुल इसको क्रॉस करती हुई दूसरी तरफ अनडिविएटेड आ जाए। इधर तो अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स अनडिविएटेड है। अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स का अनडिविएटेड होना
इसका मतलब रदरफोर्ड ने कंक्लूड करा, एटम कंसिस्ट ऑफ लार्ज वैकेंट स्पेस। ऐसा तो तभी संभव है जब एटम में ढेर सारी वैकेंट स्पेस हो। 20,000 अल्फा पार्टिकल्स सीधा अनडिविएटेड चले जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इट मींस एटम मस्ट कंसिस्ट ऑफ लार्ज वैकेंट स्पेस। अब वन अमंग 200 पार्टिकल्स गॉट डिविएटेड, वन अमंग 200 पार्टिकल गॉट डिविएटेड, अल्फा पार्टिकल 200 में से एक अल्फा पार्टिकल डिविएट होता है, ऐसा कैसे? रदरफोर्ड ने कहा अल्फा पार्टिकल के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो अपनी पाथ को चेंज कर ले, वह डिविएट हो जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब यह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से करीब होकर पास हो रहा हो। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में रिपल्शन होएगा और उस रिपल्शन की वजह से यह अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डिविएट हो सकता है और डिविएट होकर कहीं और जाके टकरा सकता है। तो डेफिनेटली एटम के अंदर कोई हेविली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ओइंग टू दैट हैवी पॉजिटिव चार्ज इन दैट पार्टिकल, वन अमंग 200 अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिविएटेड। अब फिर उसने सोचा कि 20,000 में से एक पार्टिकल इस तरह से रिबाउंड हो रहा है, 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल इस तरह से रिबाउंड हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब यह एक अल्फा पार्टिकल किसी बहुत हैवी मैसिव बॉडी के साथ में बिल्कुल हेड ऑन कोलाइड करे। जैसे कि यह दीवाल है, इस दीवाल से कोई छोटा सा चौक आके टकराएगा तो क्या होगा? क्या दीवाल को कोई फर्क पड़ेगा? दीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो चौक रिबाउंड हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल जो अपने आप में बहुत मासिव है और बहुत छोटा पार्टिकल है, यह किसी ऐसी चीज से टकरा रहा हो जो इससे भी कहीं अधिक मासिव हो, बिल्कुल उससे जब हेड ऑन कोलाइड कर रहा है तो हेड ऑन कोलाइड करने पर उस मासिव पार्टिकल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो जा रहा है। इन सब बातों को सोचकर रदरफोर्ड ने कंक्लूड करा एटम मस्ट कंसिस्ट ऑफ लार्ज वैकेंट स्पेस, और एटम मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल बॉडी, अ मैसिव सेंट्रल बॉडी, अ डेंस एंड मैसिव सेंट्रल बॉडी कैरिंग ह्यूज पॉजिटिव चार्ज। रदरफोर्ड ने उसी समय एक सिमेट्री सोची। उसने कहा देयर एग्जिस्ट सिमेट्री इन द यूनिवर्स इन मैक्रो एस वेल एस इन माइक्रो लेवल। इस यूनिवर्स में सिमेट्री, जिस तरह से सन सोलार सिस्टम है, सन इज द सेंटर ऑफ सोलार सिस्टम और सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, एंड दिस सोलार सिस्टम इज अ लार्ज वैकेंट स्पेस, और सन के चारों तरफ ढेर सारी वैकेंट स्पेस है, बिल्कुल उसी तरह से एटम के अंदर उसने कहा कोई मैसिव डेंस एंड अ वेरी स्मॉल सेंट्रल बॉडी है, एंड ही कॉल्ड इट अ न्यूक्लियाई। एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियाई एंड दिस न्यूक्लियाई कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड ऑल द न्यूट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन आर स्प्रेडेड आउटसाइड द न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियाई से बाहर है, एंड दे आर रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियाई। आगे उसने कैसे कहा? सबसे पहली बात हमने इधर समझ ली, रदरफोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कंसेप्चुअलाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियाई थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। उसने कहा
इस न्यूक्लियस के अंदर सारे सारे प्रोटॉन्स हैं, और सारे सारे प्रोटॉन्स होने की वजह से यह न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। इस न्यूक्लियस के अंदर न केवल सारे सारे प्रोटॉन हैं, बल्कि इस न्यूक्लियस के अंदर सारे सारे न्यूट्रॉन भी हैं। सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन के इस न्यूक्लियस के अंदर होने से यह न्यूक्लियस बहुत मासिव है, यह न्यूक्लियस बहुत डेंस है, इसकी डेंसिटी काफी अधिक है। वी यूज टू से इलेक्ट्रॉन्स लाई आउटसाइड दिस न्यूक्लियस एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल, दे आर नेग्लिजिबल इन मास। द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस द साइज ऑफ एटम। यह इलेक्ट्रॉन जितना अधिक फैले हुए होंगे, जितना अधिक दूर दूर होंगे, एटम उतना ही बड़ा है। दिस एटम कंसिस्ट ऑफ लार्ज वैकेंट स्पेसेस। एटम में ढेर सारी वैकेंट स्पेस है, इलेक्ट्रॉन जहां जहां तक फैले हुए हैं वो एटम कहलाएगा, और चारों तरफ वैकेंट स्पेस है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटे हैं, नेग्लिजिबल साइज के, नेग्लिजिबल मास के। और व्हेन कंपेयर्ड टू द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ एटम, दिस न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल इन साइज। अब उसने कहा कि जब ढेर सारे अल्फा पार्टिकल्स, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, जब ढेर सारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, दिस इज द पेंसिल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जो एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से एमिट होकर आ रही है, ढेर सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलाइड कर रहे हैं, जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा हेड ऑन कोलाइड करते हैं, वहां तो रिबाउंड हो जाएंगे। दिस आर द अल्फा पार्टिकल्स, जो सीधा सीधा न्यूक्लियस से जाके टकरा रहे हैं। अब न्यूक्लियस बहुत हैवी है, बहुत मासिव है, इतने हैवी और मासिव न्यूक्लियस जब हेड ऑन कोलाइड करेंगे तो ऐसा कैसे टकरा के लौट जाएंगे, न्यूक्लियस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यह पार्टिकल रिबाउंड हो जाएंगे। और जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के काफी करीब से पास हो रहे हैं, दे गेट डिविएटेड, दे गेट स्कैटर्ड। यह जो अल्फा पार्टिकल है, यह न्यूक्लियस से टकरा नहीं रहा है, यह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए न्यूक्लियस के करीब से पास होना चाहते हैं, मगर न्यूक्लियस के ऊपर हैवी पॉजिटिव चार्ज है, इन अल्फा के ऊपर हैवी पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही ये न्यूक्लियस की फील्ड में आते हैं, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में आते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से दे गेट डिविएटेड, दे गेट स्कैटर्ड फ्रॉम देयर पाथ, और इस तरह से वह अपने रास्ते से भटक जाते हैं। और जो अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से काफी दूरी से पास हो रहे हैं, वह अनडिविएटेड, अनस्कैटर्ड, बिल्कुल सीधा सीधा पास होते चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो कि काफी छोटे पार्टिकल हैं, उन इलेक्ट्रॉन का इन अल्फा पार्टिकल्स पर किसी तरह से कोई असर नहीं होगा। रदरफोर्ड ने समझाया कि 20,000 डॉट्स जो आपने देखे, वह इन्हीं अनडिविएटेड अल्फा पार्टिकल्स की वजह से हैं, और जो हम 200 डॉट्स स्कैटर्ड देख रहे हैं, जो 200 डॉट्स हम स्कैटर्ड देख रहे हैं, वह 200 डॉट्स इस तरीके से बन रहे हैं। यह अल्फा पार्टिकल एक न्यूक्लियस के काफी करीब से गुजर रहे हैं, और जो हम रिबाउंड होता हुआ, रिबाउंड होकर अल्फा पार्टिकल के द्वारा बनता हुआ जो डॉट देख रहे हैं, दैट इज ड्यू टू दिस अल्फा पार्टिकल जो सीधा सीधा न्यूक्लियस से टकरा रहा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से घूम रहे हैं, जिस तरह से सोलार सिस्टम में सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते रहते। दिस वॉज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, दिस वॉज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, दिस वॉज हिज एक्सपेरिमेंटल सेटअप, दिस वॉज हिज ऑब्जर्वेशन, एंड दिस इज वॉज वॉट ही कंक्लूडेड
through this experiment. Rutherford for the first time concluded the existence of nuclei in the atom. Or Rutherford ne apne is experiment ke dwara he suggested Rutherford model of atom. Rutherford model of atom fail ho gaya tha. There were few reasons jis wajah se Rutherford ka yaha model of atom fail ho gaya tha. Aur wo hum Bohr model of atom mein dekh bhi liye, samajh bhi liye aur wahin par hum dekhenge. हमें इस समय रदरफोर्ड के मॉडल का फेलियर से मतलब नहीं है. इस समय हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले इस न्यूक्लियाई के एग्जिस्टेंस को कंक्लूड करा. और रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के चारों तरफ घूमता है. हमने बोर मॉडल में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, थ्रू आउट उन चैप्टर्स में इन इलेक्ट्रॉन की बात करी, इन इलेक्ट्रॉन के स्टेबिलिटी की बात करी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी, इन सब की बात करी. हमने वहां पर कभी भी इस न्यूक्लियाई की चर्चा नहीं करी. अब इस चैप्टर में हम इस न्यूक्लियाई की बातचीत करेंगे, हम इस न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी की बातचीत करेंगे, हम इस न्यूक्लियाई की एनर्जी की बातचीत करेंगे, हम इस न्यूक्लियाई में होने वाले केमिकल फिनामना, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, हम इस न्यूक्लियाई के साथ होने वाले फिजिकल फिनामना, न्यूक्लियर फिजिक्स की बातचीत करेंगे, और हम इस न्यूक्लियाई के साथ में जो मैथमेटिक्स अप्लाई करती है, केमिकल रिएक्शन के साथ जो मैथमेटिक्स है, फिजिकल रिएक्शन फिनामना के साथ जो मैथमेटिक्स है, हम वह बातचीत करेंगे. हम इस न्यूक्लियाई से कैसे एनर्जी डिराइव की जा सकती है, हम न्यूक्लियर एनर्जी की बातचीत करेंगे, कैसे इस एनर्जी को बाहर निकाला जा सकता है, कैसे इस एनर्जी को उपयोग में लाया जा सकता है, कैसे इस एनर्जी से हम एनर्जी क्राइसिस सॉल्व कर सकते हैं. हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बातचीत करेंगे, हम आर्टिफिशियल और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बातचीत करेंगे. नाउ लेट्स प्रोसीड विथ the chapter will discuss about this nuclei, the size of nuclei, radii of nuclei. हम ढेर सारी बातचीत करना चालू करते हैं. पहले इन्हीं सब बात को नोट कर लेते हैं, दो मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. Now, after learning about the discovery of nuclei, अब हम nuclei के बारे में बड़ा डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले Let me try to conceptualize you about the size of a nuclei. एक nuclei की size क्या होती है? Generally, the size of an atom, if I talk about diameter of atom, it's in the range of 10 to the power minus 10 meters. It's roughly in the range of 1 arm strong. एक एटम का डायमीटर यदि हम देखें तो वह 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स के रेंज में होता है, 1 आर्मस्ट्रांग के रेंज में होता है. व्हाइल इफ वी लुक एट डायमीटर ऑफ न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई का डायमीटर इट्स ऑलवेज इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर्स. Diameter of nuclei is in the range of 10 to the power minus 15 meter. We call it 1 Fermi. It's 10 to the power minus 5 times diameter of atom or 1 by 1 lakh times smaller than a atom. एक न्यूक्लियाई एटम के मुकाबले काफी छोटा होता है. इस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस डेटा से. एटम का डायमीटर 10 टू द पावर माइनस 10 के रेंज में है और न्यूक्लियाई का डायमीटर 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर्स के रेंज में है. 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर इट्स आल्सो कॉल्ड 1 फर्मी. फर्मी फर्मी इज 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर्स. इट्स 10 टू द पावर माइनस 5 टाइम्स smaller than a diameter of atom. A nuclei is 1 lakh times smaller than atom, means a nuclei is negligible in size when we compare it with an atom. यह nuclei चाहे किसी gas atom का nuclei हो, चाहे किसी solid atom का nuclei, चाहे किसी liquid atom का nuclei हो, nuclei काफी छोटा होता है. To be very precise, radius of nuclei is given by this expression. Radius of nuclei
R is given by this expression. R is always equal to R naught into A to the power 1 by 3. Radius of a nuclei is always equal to R naught into A to the power 1 by 3. This is precisely the radius of nuclei. Here R naught is a constant. R naught is a constant and it's 1.1 Fermi or 1.1 into 10 to the power minus 15 meters. And A is mass number. A is mass number. It's number of proton plus number of neutron. It's nearly equal to the mass of nuclei. In AMU, we used to say radius, precise radius of nuclei is given by this expression. Radius of nuclei is always equal to R naught into A to the power 1 by 3. R naught is a constant. It's 1.1 Fermi or 1.1 into 10 to the power minus 15 meter. And A is mass number. Mass number is number of protons plus number of neutrons. Mass of each proton is 1 AMU, mass of each neutron is 1 AMU, number of proton and number of neutron ke liye hum add kar denge and that is roughly equal to the mass of a nuclei. Now, this mass of nuclei in AMU, based on this information, our first task is to determine density of a nuclei matter. Let's try to determine density of nuclei. Density is mass upon volume. Mass upon volume. Hum nuclei ka radius jante hain. Yadi hum nuclei ka radius jante hain, to hum nuclei ko almost spherical assume karke hum uska volume determine kar sakte hain. और हम न्यूक्लियई का मास भी जानते हैं. इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करते हुए लेट्स ट्राई टू एस्टीमेट व्हाट इज डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियई. हम सबसे पहले मास ऑफ न्यूक्लियई लिखते हैं. ए एएमयू मास ऑफ न्यूक्लियई इज ए एएमयू एटॉमिक मास यूनिट. And volume of nuclei is 4 by 3 pi r cube. So volume is 4 by 3 pi r naught cube into A. R cube ki jagah yah pura cube kar diya, r naught cube into A. This is the volume. Now I'll say density of a nuclei matter is, jara dekhiyega, density mass, mass A AMU likha hua hai. I need to convert it into grams and kilograms. We know that 1 AMU is 1 by n grams or 1 AMU is 1 upon Avogadro's number 6.023 into 10 to the power 23 grams or 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. This is mass of a nuclei in AMU and this is conversion of AMU into grams and this is volume of a nuclei. So, main sabse pehle mass of nuclei in grams likh deta hun.
इट्स ए इंटू 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम्स. नाउ लेट मी कंटिन्यू. मैंने मास ऑफ न्यूक्लियई, as I told you, A is mass number, it's roughly equal to mass of a nuclei, it's A AMU. And 1 AMU equal to 1 by n grams, or 1 AMU equal to 1 by Avogadro's number of grams, or 1 AMU equal to 1.66 into 10^-24 grams. So mass of a nuclei is A into, for 1 AMU I'll write 1.66 into 10^-24 grams. This is the mass of a nuclei. And what is volume of nuclei? Volume of nuclei is 4/3 pi into r naught cube into A. So I'll write expression for density of a nuclei. It's A into 1.66 into 10^-24 grams upon 4/3 into pi, pi ki jagah 3.14 into r naught cube. R naught cube ki jagah par, once again r naught, as I wrote here, is 1.1 into 10^-15 meters. This r naught is in meters. Let me convert it in centimeters. Kyunki main mass ko grams mein likh raha hu, to kyun na pure प्रॉब्लम को मैं सीजीएस सिस्टम में ही सॉल्व करूं. मैं इसे ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखता हूं. सो आई विल राइट दिस आर नॉट इन सेंटीमीटर्स लाइक दिस. 1.1 इंटू 10^-13 सेंटीमीटर. 1.1 इंटू 10^-13 सेंटीमीटर होल क्यूब इंटू ए, इंटू ए. A and A would get cancelled, and density of nuclei matter could be written as 3 into 1.66 upon 4 into 3.14 into 1.1 cube into 10^13 whole cube, 10^39, and 10^39 ऊपर गया, 39-24, that is 10^15 gram per cc. This is the density of nuclei matter. जरा हम roughly एक rough estimation का डालते हैं, 3 से 3.14 को रफली कैंसिल कर दिया मैंने. 1.1 होल क्यूब वुड बी नियरली 1.3, 1.3 इंटू 4, और दिस 1.3 वुड गेट कैंसिल्ड बाय 1.4, नियरली 1/3 इंटू 10^15 ग्राम पर सीसी, और आई विल से इट्स इन द रेंज ऑफ 10^14 ग्राम पर सीसी और 10^17 केजी पर मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई मैटर इज इन द रेंज ऑफ 10^14 ग्राम पर सीसी. माय फर्स्ट कंक्लूजन. पूरे आर्टिकल को ध्यान से देखिए. Density of nuclei is a constant value. It's independent of an atom. It's independent of an element. यह कोई सा भी nuclei किसी भी element का हो. We may talk about nuclei of gold or the nuclei of iron or the nuclei of hydrogen atom or the nuclei of helium atom or the nuclei of oxygen gas or the nuclei of nitrogen gas or the nuclei of bromine liquid or the nuclei of mercury liquid. चाहे हम किसी solid की बात करें, चाहे हम किसी liquid की बात करें, चाहे हम किसी भी gas की बात करें, कोई सा भी element हो, वह किसी भी physical state में रहता हो, इससे कोई मतलब नहीं है.
किसी भी एलिमेंट की यदि हम न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो सभी न्यूक्लियाई की डेंसिटी बराबर होती है एंड डेंसिटी ऑफ दैट न्यूक्लियाई कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस इट्स ए अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इनटू ए और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई मैटर वुड बी 3/4 पाई आर नॉट क्यूब और ए अपॉन ए तो फिर भी लिखा ही रहने देता हूं. This is density of a nuclear matter and which would always be a constant. It's independent of element. Another conclusion. Observe how dense the nuclei is. The density of nuclei is in the range of 10 to the power 14 grams per cc. Means a nuclei is 10 to the power 14 times heavier than water. Water ki density hoti hai 1 ग्राम पर सीसी वाटर की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब एंड व्हेन वी कंपेयर इट विद वाटर ऑब्जर्व द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस 10 टू पावर 14 ग्राम पर सीसी और 10 टू पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब मींस द न्यूक्लियाई इज रफली 10 टू द पावर 14 टाइम्स हेवियर देन वाटर मींस अ न्यूक्लियाई इज अ वेरी वेरी हैवी मैटर. It's a very dense matter. This is density of nuclei. Please note it down. अब हम nuclei के बारे में और आगे की बात पढ़ते हैं और समझते हैं.